नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उबारा की कैली देवी कमलेश सिंह को पूरे समाज और रिश्तेदारों की सहमति से विधि पूर्वक लिया गया गोद। गढ़वा सदर प्रखंड से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा सदर प्रखंड के ग्राम ओबरा निवासी ने एक लड़के को विधि पूर्वक कैली देवी पति स्वर्गीय सुरेश सिंह ने कमलेश सिंह को गोद लिया है। आपको बताते चले कि कमलेश सिंह को 8 अक्टूबर 11 को ही सुरेश सिंह के द्वारा अपनी सामाजिक रीति रिवाज से उनके जैविक माता पिता नागेश्वर सिंह एवं बीना देवी तथा पूरे समाज रिश्तेदारों की सहमति से कमलेश सिंह को गोद दे लिया था और उनका पालन पोषण कर रहे थे। उस समय पूरे समाज को सत्यनारायण स्वामी की कथा एवं आमंत्रित भोज कराकर विधि पूर्वक गोद लिया गया था। उस समय से ही कमलेश सिंह गोद लिए हुए पिता सुरेश सिंह के यहाँ रहने लगा था, जिसको देखते हुए आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो समाज के लोगों में बैठक कर कागजी प्रक्रिया पूरा कराने को कहा गया, जिसमें 21 अक्टूबर 2021 को कैली देवी पति स्वर्गीय सुरेश सिंह ने कमलेश सिंह को अपना बेटा मानकर पूरी कागज बनवा ली है। अब कानूनी रूप से कमलेश सिंह कैली देवी का वारिस है। आज सुरेश सिंह कमलेश सिंह के गोद ले लिए हैं 2011 में, जब उनका बाल बच्चा नहीं हुआ तो अपने बड़ा भाई के नाती को 2011 में रख लिए और इनको पढ़ाव लिखाव किए, भरण पोषण उसी दिन से होने लगा। उसके बाद जब से 2004-2008 में 2021 में उनका मर्डर हो गया, इसलिए इनका जब से हक और अधिकार के पूरे संपत्ति के मालिक जब से कमलेश सिंह हुए और वहीं रहते हैं और जब से उनका परिवार के खियाव पियाव सारा कर्म काम धाना सब करते हैं। कहिया तक जिंदा रहे? आपका नाम? हमारा नाम लगन सिंह। ओबरा से ही हैं? हाँ, ओबरा थाना का। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।